Hello everyone, my name is Chintanshu. I am from Bharti College, BIT. Today my topic is memory. हम देखेंगे कि कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं. मेमोरी डिवाइसेस का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए, उसका जरूरत के हिसाब से उसको यूज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं डेटा को. और हम मेमोरी यूनिट का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है मेमोरी, जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स की प्रक्रिया को स्थित किया जाता है. और आवश्यकता पड़ने पर हम उसे क्या कर सकते हैं, उस डेटा को वहाँ से ले सकते हैं. कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है या फिर उसे मेन मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर मेमोरी का काम यूजर द्वारा किए गए निर्देशों और बनाए गए प्रोग्राम को याद रखना होता है. जब भी यूजर द्वारा पहले से बने हुए प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट से उसे रिकॉर्ड किया जाता है. और मेमोरी में स्टोर के लिए बहुत से स्पेस होते हैं और जिसकी संख्या क्या होती है, एक निश्चित होती है. जैसे यह मेमोरी की क्षमता या मेमोरी का आकार क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं कि 8 GB रैम है या ऐसा 8 GB रैम, 2 GB रैम, 1 GB रैम, ऐसे करके हम उनका क्या करते हैं, मेमोरी का यूनिट या उनका साइज जो है उसको डिफाइन करते हैं. कंप्यूटर के दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं. पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो हम मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा जब भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, तो वह जो डेटा होता है जब वो प्रोसेस करता है तो वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है. और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो स्टोर डेटा रहता है वो हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं. मतलब वो हमें पोर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं, पोर्टेबल डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप के होते हैं, एक रैम होता है एक रोम होता है. प्राइमरी मेमोरी अधिकतर वह मेमोरी होता है जो सीपीयू से जुड़ा होता है. और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर की मेमोरी के इस भाग में स्टोरेज रजिस्टर का एक शेल्फ होता है, शेल्फ का समूह होता है. इसमें से प्रत्येक शेल्फ को एड्रेस के रूप में दिया जाता है और जिसके कारण कंट्रोल यूनिट किसी भी रजिस्टर में लिख सकती है या रजिस्टर में पढ़ सकती है. कंपोनेंट के आधार पर यह दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कोर मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी. कोर मेमोरी में क्या होता है, इसका निर्माण कई सारे शेलों से मिलकर होता है, जिसका प्रत्येक शेल एक बिट को स्टोर करता है. ये शेल एड्रेसेबल वर्ड्स के समूह में संगठित की जाती है तथा प्रत्येक वर्ड्स बिट्स का एक क्रम समूह होता है. मेमोरी यूनिट में बाइनरी स्टोरेज सेल की तरह उपयोग में होने वाले एक मुख्य अवयव को मैग्नेटिक कोर कहते हैं. और मैग्नेटिक कोर 0.4 से 0.8 mm डायमीटर का छोटा वॉइड होता है जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है. ऐसे भौतिक संख्या जो मैग्नेटिक कोर की बाइनरी स्टोरेज के लिए उपयुक्त बना
सेकंड है हमारा डायनेमिक प्लान। यह वह रैम होता है जिसमें बीट थोड़े ही देर में खत्म हो जाती है, चाहे पावर लगातार ऑन हो तो भी। नेक्स्ट हमारा रोम। रोम में हम देखेंगे कि ये तीन टाइप से होते हैं। पहला होता है जीरो, दूसरा होता है ई जीरो और तीसरा होता है ई ई जीरो। ई रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल डीकोडिंग मेमोरी। ई वी रोम का होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल डीकोडिंग मेमोरी। और नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजर।
etc. हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वह क्या होता है, जब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज को फुल हो जाने के बाद जब हम एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज करते हैं, या फिर हमें अगर किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले जब भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो उसमें जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम फीड करते हैं वह बाई डिफॉल्ट प्राइमरी मेमोरी में सेट हो जाता है या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम कोई डेटा अगर पोर्टेबिलिटी के लिए सेव करना चाहे या फिर अगर उसका सब प्राइमरी मेमोरी फुल हो जाने के बाद अगर हम कोई दूसरा मेमोरी यूज करते हैं तो वो ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसका यूज हम नॉर्मली कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है और उसका आकार भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसकी जो आकार होती है उसका जो साइज होता है वो कम होता है या फिर बोल सकते हैं कि लिमिटेड होता है। और यह जो होता है प्राइमरी मेमोरी वह सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में महंगा होता है। सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है या उसका जो साइज होता है, डेटा साइज जो स्टोरेज साइज होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। हम उसे सिर्फ सीपीयू से बाहर यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सीपीयू के अंदर स्टोर होता है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हम एक्सटर्नल के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। मेमोरी के हम देखेंगे तो कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है यूनिट्स में हम देखेंगे तो फर्स्ट होता है कि कोई कैरेक्टर, एक कैरेक्टर या फिर एट बिट्स, उसे हम क्या कहते हैं, वन बाइट कहा जाता है। और फोर बिट्स को या फिर हम हाफ ऑफ बाइट को क्या कहेंगे, एक निबल कहेंगे। और 1024 बाइट्स, 1 KB कहलाता है, मीन्स 1 KB कहलाता है। और 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है। इसी तरह मेमोरी के साइज में वृद्धि होती जाती है, इंक्रीमेंट होते जाता है। बाइट्स मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक 0 और 1 को बाइट कहा जाता है। और बाइट्स होता है बिट्स को ग्रुप्स में कंबाइंड कर कैरेक्टर, डिजिट व सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 8 bytes इज इक्वल टू 1 byte होता है, 8 bits इज इक्वल टू 1 byte होता है। और किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है और केबी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स कहेंगे हम। और एमबी जो होता है वह 1024 KB या 1048576 बाइट्स के बराबर होता है और इसे हम एमबी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे जीबी, मीन्स गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB के बराबर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1073741824 बाइट्स के बराबर होता है। इसे जीबी से प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट होता है इसके बाद टेराबाइट, जिसे 1 TB या टीबी बोला जाता है। 1024 GB के समान होता है, इसे टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि इसके आगे आएगा 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। तो इस तरह से जो मेमोरी का जो साइज होता है या उसके जो यूनिट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और उन्हें इस फॉर्म में या इस नाम के द्वारा जाना जाता है। मेमोरी यूनिट का यूज हम स्टोरेज यूनिट के रूप में क्या करते हैं, या मेमोरी डिवाइसेस जो भी होते हैं हम उनका यूज क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी यूनिट की जरूरत होती है। मेमोरी यूनिट का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। अधिकतर जो भी डेटा हम जब वर्क करते हैं या कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसीड होता है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वह प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है या मेमोरी जो होता है वो सॉरी वॉलेटाइल होता है। इसमें जो होता है दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम। इसमें जो रैम होता है वो क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होता है, और जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मीन्स होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा
रैम को टेम्परेरी मेमोरी और रोम को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो डेटा होता है वो रीड एंड राइट दोनों के मोड में होता है, राइट एंड रीड दोनों के मोड में होता है। और जो रोम में जो डेटा होता है वो क्या होता है, ओनली रीड के रूप में होता है। इसमें जो डेटा होता है हम उसे राइट या अपडेट या उसमें एडिट, ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। हम जो रोम में जो डेटा स्टोर रहता है उसे रीड कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो डेटा होता है वो जो होता है वो परमानेंट डेटा होता है और वो नॉन वोलेटाइल डेटा होता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रैम जो होता है वो उसमें जो डेटा होता है हम उसे राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, इसलिए हम वोलेटाइल या फिर स्थायी मेमोरी अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो अस्थायी होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में महंगे होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में फास्टर होते हैं प्राइमरी मेमोरी। और इस मेमोरी में उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है जिनकी आवश्यकता सीपीयू को तुरंत होती है। प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम एस रैम डी रैम का यूज किया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो इन मेमोरी को इन्फॉर्मेशन से स्टोर किया जाता है जिनकी आवश्यकता सीपीयू को तुरंत नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, स्थायी होते हैं और ये जो होते हैं कॉस्ट में एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी कम होते हैं। और प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में सेकेंडरी मेमोरी स्लो होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क सीडी मैग्नेटिक फॉर्म का यूज किया जाता है। इस तरह